भाई इतना गर्मी में देखो मेरा क्या हाल हो रखा, हम कैसे रोटी बनाएं। अरे कितना गर्मी है मामी, कितना गर्मी है, इस गर्मी में हम कैसे रोटी बनाएं। मेरे घर वालों को बिल्कुल भी वो नहीं है बाबा, मन करता है इनको ना रोटी की जगह ना बेलन खिला दूं। इतनी गर्मी में मेरे जैसी लड़की आपको कहीं मिलेगी? अरे यार मैं मिट्टी खाने वाली, और मिट्टी खाकर मैंने इतने सब्सक्राइबर गेन किए हैं, और मेरे घर वालों को कुछ दिखाई नहीं देता, मेरे अंदर कोई टैलेंट नजर नहीं आता। जब देखो दोनों टाइम मेरे से रोटी बनवाते हैं, ये मेरा मम्मी भी ना बस पूछो मत। और एक मेरी बहन को देखो, आती है मस्त हीरोइन बन के कॉलेज से और सबके साथ इंजॉय कर रही है, और भाई दोनों टाइम रोटी बनाने का काम मुझे ही क्यों दिया गया मेरे घर वालों ने। मन करता है इनको इतनी बड़ी बड़ी रोटी की जगह ना, इनको मिट्टी की रोटी आ रही है ना जो सेलर दे रहे हैं वो खिला दो, एक दो तो इनके दांत टूट ही जाएंगे मेरे घर वालों को। बाबा कितनी गर्मी है यार, उफ, आज बाल भी इतने सिल्की सिल्की नहीं है, गर्मी में पूरे बाल मेरे ऐसे चिपक गए हैं। जिससे मुझे तंग किया ना उसको भी ऐसे रोटी की तरह ना गोल गोल बना के फेंक दूंगी, और मुझे इस रोटी से ज्यादा अच्छी मुझे क्ले की रोटी लगती है। क्ले की रोटी कम से कम उसमें क्रंच है, इसमें क्रंच नहीं है। उसको खाकर मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसको खाके मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, इससे भूख मिटती है यार। मैं क्या करूं, रोटी बना बना के मैं रोटी जैसी पक गई हूं, मैं स्टाइलिश हूं यार। मिट्टी की रोटी खाकर मैंने इतने जो सब्सक्राइबर बनाए हैं, क्ले आइटम खाकर मैं कितनी फेमस हो गई, आज गली गली का बच्चा मुझको जानता है, और घर वालों ने मेरी पूरी इमेज चौपड़ कर दी, गोल बना दी रोटी की तरह मेरी इमेज। ठीक है गाइस, तो रोटी इन लोगों की बना के फिर मिलती हूँ आप लोगों को। अरे भाई कितना गर्मी है यार, यार कितना गर्मी है हम आपको बता नहीं सकते, और सारा बाल मैंने ऐसे करके क्लिप लगा दी है। खुला बाल तंग करता है यार, इधर इधर चिपक जाता, मुझे इरिटेशन होती है, मन करता है कि सारा बाल फाड़ दूं, लेकिन फाड़ने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही इतनी स्लेट पेंसिल खा चुकी हूँ कि रोज अपने आप निकल जा रहे हैं। और अब मैं खाना खा रही हूँ यार, कैसे मैं ये खाना खाऊं आज, फिर यही खाना सिंपल आलू पराठा और ये दही, बाप रे मुझे नहीं है, मैं खाने के लिए जी रही हूँ, मुझे खाना ही खाना होता है, मुझे खाना खाना अच्छा लगता है। मेरे घर वाले जब देखो सिंपल खाना ही मेरे सामने रख देते हैं यार, मैं क्या करूँ यार, मैं खाने के लिए जी रही हूँ, खाना हो या मिट्टी हो मुझे खाने के लिए ही जीना है। और भाई इतना गर्मी है कूलर भी नहीं चल रहा है, क्या करूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है अभी खाना खाने को। ओहो मम्मी मम्मी, ये मेरा मम्मी भी ना जब देखो आके बेड पे सो जाएगी, एक बार भी नहीं सोचेगी बेटी खाना खा रही है तो थोड़ा देख लूँ उसको कुछ चाहिए कि नहीं। भाई मेरा पूरा फैमिली ही मेरा केयर नहीं करता है, क्या करूँ। मैं अपना मिट्टी इतना संभाल संभाल के, इतना अच्छे तरीके से साफ करके और सफाई करके, इतना अच्छे से सजा के रखती हूँ, और मेरे घर वाले ना इतना घर को कूड़ा कवाड़ा करके रखते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता यार मेरे से वो कुछ क्यों नहीं सीखते हैं, मैं कैसे मेंटेन करके रखती हूँ मिट्टी। अब मेरे को यही खाना खाना पड़ेगा, वो दीदी क्या आई है, दीदी के चक्कर में मुझे ये भी खाना खाना पड़ता है। मन तो करता है उसके मुंह में भी एक स्लेट पेंसिल ठूस दूं। तो चलो खाना खा के मिलती हूँ, उसके बाद फिर क्रंच वीडियो भी बनाऊंगी आप लोगों के लिए। भाई इतना गर्मी में मैं तो अपने लिए ये लेके आई हूँ, इतना गंदा खाना कौन खाएगा, ये खा के देखती हूँ। मेरी मम्मी ने काट के दिया, बोल रही है क्यों इतना हल्ला कर दिया, ये खा ले। चलो ये खाते हैं, पहले थोड़ा सा भोग लगा देती हूँ। वो मैडम है ना वो क्ले क्रंचर वाली, बोलती है हर चीज़ को भोग लगाओ, हर चीज़ को भोग लगाओ, पानी को भोग लगाओ, चाय को भोग लगाओ। एक बार हम भी ट्राई करके देखते हैं कुछ हमारे लिए भी अच्छा हो जाए, तो इसको भोग लगा के फिर खाते हैं। भाई
कैसे खाऊं, इसमें क्रंची नहीं आ रहा, इसमें क्रंच साउंड ही नहीं है। मेरे घर वालों को पता है कि मैं क्रंच वाली चीजें खाती हूँ, उनके सामने इतनी बार मिट्टी खाती हूँ, इतनी बार स्लेट पेंसिल खाती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ, फिर भी उनको ये नहीं पता आज तक कि हमारी बेटी को क्रंच आइटम पसंद है। मम्मी क्या बोलूँ यार, भाई मुझे मजा नहीं आ रहा है। और मैंने तो फैन ऑन कर दिया, कूलर नहीं चल रहा है, बहुत गर्मी लग रही है मुझे, तो मैंने फैन ऑन कर लिया। फैन की आवाज थोड़ी सी क्रंच जैसी आएगी तो एडजस्ट कर लेना इसके साथ। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अभी मम्मी सो रही है उनके सामने, मैं अभी मम्मी भी लेटी हुई है उनके सामने, मैं खाऊंगी नहीं फिर चिल्लाएगी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको खाऊंगी तो माउथ से भी क्रंच साउंड निकालूं, और कुछ फैन की एडजस्ट कर लेना यार। मैं कुछ भी चीज खाऊं, घर की चीज खाऊं, बाहर की चीज खाऊं, मुझे ये करने की आदत पड़ गई है। भाई ऐसे मत पूछना कि ये हैबिट क्यों पड़ी। आपको पता है हम क्ले खाने वाले हैं, तो क्ले जो भी खाता है उनके माउथ में फंस जाता है यार, नेचुरली है ये, तो क्ले है, पत्थर है, उसको क्रंच करेंगे तो वो इधर उधर चिपक जाती है, तो ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, तो बस हो गया मेरा। अब ये मत बोलना कि इतना सारा लेके बैठ जाती हो और फिनिश करती नहीं हो यार। ये गंदा गंदा कमेंट्स ना, मेरे को कोई यार, ये जो तुम गंदा गंदा कमेंट्स देते हो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में मस्ती करना चाहती हूँ। और मेरा बाइक बहुत धूप में खड़ा है, अभी मुझे जाना था डांस के लिए, लेकिन मेरा बाइक बहुत गर्म है, तो देखती हूँ मैं कैसे जाऊँगी। ठीक है, अपना फ्रेंड को बुला लेती हूँ, उसकी ठंडी है बाइक, उस पर बैठ के जाऊँगी, तो फिर मिलती हूँ, बाय। मम्मी जरा हमारे पतीले में बर्फ डाल दीजिए, हमें अपना फेस थोड़ा सा सही करना है। ला 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 ला। मेरे बाइक का चाबी। अरे मेरा सारा बाल सेट किया था, सारा बाल उड़ गया। ये हवा भी ना, बहुत हवा चल रहा है, देखो मैंने कितना अच्छा से बाल सेट किया था, कैसा मेरा ड्राई ड्राई बाल हो गया। मैं इतना गंदा गंदा प्रोडक्ट तो नहीं लगाती हूँ बालों में, फिर भी देखो यहाँ का हवा यार, यहाँ का हवा ना मुझे इतना इरिटेट करता है ना कि मैं क्या करूँ। और मुझे आज कहीं जाना था, ये मेरा बाइक का चाबी है, मेरा बाइक इतना गर्म है हम बता नहीं सकते हैं। देखो मेरा बाल, क्या मेरा बाल है, मुझे गुस्सा आता है अगर मेरे फेस पे एक भी बाल आता है, इतना केयर करती हूँ मैं अपना फेस का। उफ ये हवा क्या है यार, ये गर्मी हवा ये हमको मार ही डालेगा। मेरा बाइक का चाबी मेरे साथ है, मुझे निकलना था, समोसा खाना था, मुझे चटपटा खाना था, घर का खाना खा खा के मैं पक गई हूँ यार, मैं नहीं खा सकती घर का खाना, लेकिन क्या करूँ, मेरा बाइक धूप में खड़ा है, इतना गर्म हो गया, मेरा तो पिछवाड़ा ही जल जाएगा अगर मैं बैठ गई तो। और ये मेरा बाइक का चाबी, चलो
अपनी बाइक पे तो मैं नहीं जा सकती, लेकिन लेकिन मैं अपने फ्रेंड की बाइक बुला लेती हूँ। फ्रेंड के साथ मैं जा रही हूँ समोसा गोलगप्पा चाट पकौड़ी खाने, ठीक है? ए फ्रेंड है, कुछ और मत समझना। ए ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाने का, मेरे स्लेट आइटम और मेरे क्ले आइटम पे नजर नहीं मारने का, ओके? तो मैं अपने फ्रेंड को बुला के चाट पकौड़ी खाऊंगी, ठीक है? और फिर से बाल सेट कराना पड़ेगा, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको। मेरा बाल बाइक पे जाके कैसे हो गया? और आपको तो पता है ना मैं अपने फेस की कितनी केयर करती हूँ, क्योंकि मैं ईंट पत्थर कूड़ा कबाड़ा पेट में डालती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो मेरा फेस खराब ना हो जाए, मेरा बाल खराब ना हो जाए। इतना महंगा महंगा प्रोडक्ट मैं मंगाती हूँ अपना बाल के लिए, अपना फेस के लिए, इतना पत्थर खा के मैं जो पैसे कमा रही हूँ मैं बता नहीं सकती। इस फेस के लिए मैं पत्थर खाती हूँ ताकि पैसा मिले और मैं इसकी केयर करूँ। और देखो भाई, ठंडा पानी इतनी गर्मी में कैसे रह सकते हैं? ये देखो बर्फ का ठंडा ठंडा पानी, और फेस के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी, बड़ा बड़ा नक्कुमट स्लेट आइटम पत्थर सब खा लूंगी। मिट्टी खाने से मेरा टट्टी भी टाइट हो गई है, लेकिन मैं किसी को बोलती नहीं हूँ। यार ये मिट्टी खाने से ना मैंने फेस ना खराब हो जाए, इसलिए मैं डेली सोने से पहले और बाइक पे जब भी जाती हूँ तो फेस को ठंडे ठंडे पानी में डिप कर लेती हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है यार, इतनी गर्मी में। आज तो मैं टेबल पे पानी लेके बैठी हूँ अपना फेस के लिए, नहीं तो मैं किचन के बेसिन में ही जहां बर्तन होते हैं ना वहीं पे ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो लेती हूँ। लेकिन आज मैं टेबल पे इसलिए बैठी हूँ, जो वो क्ले अवेयरनेस करती है वो मेरे को 10 बार बोलेगी, हाँ छी बेसिन के अंदर बर्तनों पे मुंह धोती है, बर्तनों में मुंह धोती है, शर्म आनी चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, मिट्टी का दीपक नहीं खाना चाहिए, पूजा में काम आता है, हमारे बर्तन खाने के शुद्ध होते हैं, उनके ऊपर फेस नहीं धोना चाहिए, ये गलत बात है। यार तुमको क्या प्रॉब्लम है मैं अपने घर के किचन के बेसिन में मुंह धोऊं या अपने घर के टॉयलेट में मुंह धोऊं? तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई? मेरा जिंदगी है, मेरा लाइफ है, मुझे जीनी है ना, चाहे मैं ईंट पत्थर खाऊं, चाहे मैं कूड़ा कबाड़ा खाऊं, भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम अपना देखो ना, अपने आप को देखो ना। मुझे बाइक चलानी आती है, तुम देखने वालों को तो साइकिल चलानी भी नहीं आती होगी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरा बाइक से क्या प्रॉब्लम है? मैं फ्रेंड के साथ जाऊं, डांस करूं, कुछ भी करूं, या तुम लोगों का ये ना चेंज नहीं कर सकती हूं मैं। हो गया है मेरा। मम्मी जरा कपड़ा दीजिए फेस क्लीन करने के लिए। ये क्या? अरे भाई मैं इतना पैसा कमाती हूं, मुझे ये किसका लंगोट दे दिया? अच्छी इतना प्यारा टॉवल मैंने मिसो से मंगाया है, इसकी अनबॉक्सिंग मैंने भी नहीं की है। मेरे घर वाले भी ना इतना आइटम मंगाती रहती हूँ फिर भी ये लोग नहीं सुधरेंगे। हाँ। अब जाके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है फिर मिलती हूँ। ये सब मैं ऑर्डर देके मीशो से मंगाती हूँ। मैं बिना क्रंच किए बिना नहीं रह सकती,
और मुझे थोड़ा सा खाना खाने के बाद क्रंच करना है, मुझे अच्छा लगता है क्रंच करके। और मैं ये चोरी से खा रही हूँ, कहीं हमारी मम्मी ना देख ले। तो मेरे को किसी ने कमेंट्स किया था कि आप घर वालों की चोरी से खाते हो, आप बोल रहे थे मेरी मम्मी देखती है तो मुझे डांटती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये भाई मैं वीडियो में बोलती हूँ कि मेरी मम्मी देखेगी तो डांटती है कि ये सब खाती है, क्यों खाती है मेरी। आप और वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने अपने मम्मी के मुंह में भी स्लेट पेंसिल का टेस्ट लगाया हुआ है, मेरी बहन के मुंह में भी स्लेट पेंसिल घुसाई है, भैया के भी, और पापा को भी ट्राई करा दिए। तो मेरा पूरा फैमिली को पता है कि हाँ मैं खाती हूँ, तो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है। मेरी फैमिली कुछ नहीं बोलती तो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है। मेरी पूरी फैमिली जानती है कि मैं क्ले आइटम खाती हूँ, उनके सामने वीडियो बनाती हूँ। और मैं जितना क्ले आइटम आप लोगों को दिखाती हूँ ना, मैं उतना नहीं खाती हूँ, मैं थोड़ा बहुत खाती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा क्रंच, मेरे को थोड़े में सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। जब से मैं अपनी इस तरह की वीडियो बनाने लगी हूँ तो मैंने मिट्टी खाना कम कर दिया है। लेकिन भाई तुम लोगों को दिखाने के लिए मुझे 4 चैनल और बनाने पड़े हैं मिट्टी के, उसमें मुझे क्रंच कर करके कट मारना पड़ता है तुम लोगों को दिखाने के लिए। क्योंकि तुम भी ना मेरा पूरा ब्लॉग इसलिए देखते हो क्योंकि लास्ट में मैं क्रंच करके दिखाऊंगी ये मिट्टी वाला। अगर मैं ये मिट्टी वाला क्रंच ना करूं तो तुम लोग मेरा पूरा ब्लॉग नहीं देखते हैं। मेरे जितनी एज की लड़कियां ही देखती है क्योंकि मैं नौटंकी इतना करती हूं ना इसीलिए। और बीच बीच में मुझे ये जो क्ले दिखाना पड़ता है ना खा के, वो इसीलिए दिखाना पड़ता है कि तुम लोग पूरा ब्लॉग देखो, इसीलिए। अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के लिए चाट पकौड़ी लेने, थोड़ा सा खा के ही जाऊंगी। मम्मी हमको नहीं पता यार, हम नहीं जानते क्या यार, घर वाले पूरा दिमाग चाट जाते हैं। मैंने अपना भाभी को भी टेस्ट करा दिया स्लेट पेंसिल, मैंने अपने पूरे परिवार को स्लेट पेंसिल टेस्ट करा दिया। भाई मैं पैसों के लिए काम करती हूँ, मुझे सुंदर बनना है इसीलिए। और आपको पता है ना मेरे इतने चैनल डीमोनेटाइज हो गए, फिर भी मैं रोज न्यू चैनल बना देती हूँ और सब में मैं मिट्टी डालती हूँ तो मिट्टी से ही लोग आते हैं। मेरा ये फेस देख के नहीं आते, मेरे मिट्टी देख के आते हैं। अभी मैं ये नहीं खा रही हूँ, ये खा रही हूँ क्योंकि मेरी बहन है ना घूम रही है, जब से आई ना सर दर्द कर देती है। भाई कुछ काम नहीं करती हूँ, दोनों टाइम रोटी मैं ही बनाती हूँ, कुछ नहीं करती, उसको ढूंसना आता है बस। जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, नहीं तो आके ये भी मेरा छीन के खा जाएगी। भुक्कड़ है, एक नंबर की भुक्कड़ मेरी बहन। इसी तरह आप मेरी वीडियो देखते रहना और मैं क्रंच की वीडियो भी बनाऊंगी। अभी तो आपने छोटी सी एक मेरी वीडियो देखी है कि मैं किस तरह से अपने आप को मेंटेन करती हूँ। अभी मैं क्ले की जो और चैनल पे वीडियो डालती हूँ इस तरह की वीडियो भी बनाऊंगी, तो वो भी देखिए। ठीक है, ठीक है, पूरा खाली हो गया, बाय बाय।